इधर शिमला में हिमाचल आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता गौरव शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि ऊना में पंजाब के सीएम भगवंत मान और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की तरफ से दूसरी चुनावी गारंटी का ऐलान किया गया। उन्होंने कहा कि दिल्ली और पंजाब में सीएम अरविंद केजरीवाल का विकास मॉडल तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर हिमाचल प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो हिमाचल प्रदेश की जनता को बेहतर शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। हिमाचल प्रदेश में जो स्वास्थ्य संस्थान है वो चरमरा गए हैं। आईजीएमसी के दो डॉक्टर किसी संस्थान में जा रहे हैं, दो डॉक्टर किसी संस्थान में जा रहे हैं, और जो 6 मेडिकल केवल मात्र एक श्वेत हाथी के रूप में अन्य सरकारों ने खोल दिए हैं, उसमें जो है हिमाचल प्रदेश के लोगों को जो हिमाचल प्रदेश के डॉक्टर हैं आईजीएमसी से भेजा जा रहा है, ना आईजीएमसी ठीक चल पा रहा है ना वो बाकी संस्थान ठीक चल पा रहे हैं। इसलिए डॉक्टरों की कमी को भी पूरा किया जाएगा और जितने भी टेस्ट हैं वो निःशुल्क होंगे, जितनी दवाइयाँ वो निःशुल्क होंगी। किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई भी समस्या हो उसे हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी है निःशुल्क प्रदान करवाएगी। ये वचन जो है अरविंद केजरीवाल ने हिमाचल प्रदेश के लिए दिया है, जिसको कल ऊना के अंदर मनीष सिसोदिया जो हमारे उप मुख्यमंत्री है और भगवंत मान जी ने स्पेशली अनाउंस किया है। और हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए, हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए जो है आम आदमी पार्टी सजग है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो।